हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इमनेंट करियर्स ऑफ बीटा। तो आज का हमारा टॉपिक है मोइना और डाफिना कल्चर कैसे करना है। ठीक है, इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हॉबिस्ट्स ये कल्चर क्यों करते हैं, या फार्मर्स या फिश ब्रीडिंग करते वक्त ये मोइना और डाफिना की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है ये ब्रीडर्स। ठीक है, तो पहले हम जान लेंगे कि मोइना और डाफिना ये जो चीज़ है, ठीक है, ये बेनिफिशियल किस फिशेस के लिए है। अभी देखो, फिश फैमिली में जो भी छोटे साइज के फिशेस रहते हैं, ठीक है, जैसे टेट्राज रहेगा, गप्पी रहेगा, बीटाज रहेगा, या और विडोज रहेगा, ये जो छोटे साइज के फिशेस जो है, इनके फ्राइज को ये मोइना डाफिना फीड करने से क्या होता है, इनका बेबीज का साइज जल्दी बढ़ता है। ठीक है, जो स्मॉल स्पीशीज है फिशेस के, उनके फ्राइज मतलब उनके बेबीज भी बहुत छोटे होते हैं, तो इनको फीड करने के लिए मोस्टली ये मोइना डाफिना कल्चर बनाया जाता है, जिसके वजह से जो बेबीज है उनको एक्चुअली जब भी फीड करते हैं ना ये मोइना डाफिना, उसके वजह से उनका कलरेशन अच्छा आता है, उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा है ये मोइना डाफिना। इसलिए मोस्टली जो ब्रीडर्स है या हॉबिस्ट है जो अभी फिशेज रख रहे हैं, कभी कभी उसके टाइम में ब्रीड हो जाता है, उनके बेबीज को भी खिलाना पड़ता है, या उनको उनके फिश को सिर्फ हेल्दी रखना है बस, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है सभी के लिए। तो ये जो डाफिना और मोइना है, ये अगर आप फीड करते हो तो फिशेस को जो डाइजेशन का वगैरह प्रॉब्लम होता है बहुत कम हो जाता है, या फिर लिमिटेड फीड करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीड करते हो, दिन में चार चार बार फीड कर रहे हो कि कल्चर हो रहा है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा, कोई भी फीड देगा। और मोस्टली यही क्यों प्रीफर करते हैं, बाकी के लाइफ फीड्स भी है, जैसे ट्यूबिफेक्स है, ब्लड वर्म्स है, और प्राइन श्रिम्स, एडल्ट प्राइन श्रिम्स मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें छोड़ के डाफिना मोइना ही क्यों प्रीफर करते हैं। देखो, एंड ऑफ द डे सभी को अपना फिश हेल्दी चाहिए, राइट? तो ये जो मोइना डाफिना अगर हम कल्चर करते तो हम वी आर श्योर दैट जो भी खाना आ रहा है उनका, वो अच्छे पानी से आ रहा है, उसमें पैरासाइट्स का जो परसेंटेज है बहुत कम रहता है। ठीक है, जो भी ट्यूबिफेक्स रहते हैं, ब्लड वर्म रहते हैं, उसमें थोड़े पैरासाइट जो बोलते हैं, जो गंदे पैरासाइट जो फिश को हार्मफुल रहते हैं, उनका इंटरनल डाइजेशन सिस्टम के लिए हार्मफुल रहता है, वो पैरासाइट्स जो लाइव वाइल्ड से पकड़े जाते हैं, जो भी लाइव फूड रहता है उसके साथ वो पैरासाइट्स आते हैं। लेकिन डाफिना और मोइना ऐसी चीज़ है जो हम खुद कल्चर कर सकते हैं क्वांटिटी में, अच्छे क्वांटिटी में, और अपने फिशेज को हेल्दी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको खिलाने के लिए। ठीक है, और ये जो कल्चर है, ये एक बार खरीद लो, लाइफ टाइम आपको, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। ठीक है, अभी मैंने भी 2011 में या 8-10 में ऐसे पकड़ लूँ, मैंने वो कल्चर लिया था, मुझे फर्स्ट टाइम एक दो बार खरीदना पड़ा, क्योंकि इवन आई वॉज नॉट फेमिलियर विद वॉट एवर द प्रोसीजर वॉज टू कल्चर इट। तो ये सब चीज़ें मुझे प्रॉब्लम दे रही थी, कोई कल्चर क्रैश हो रहा था, सब मर जा रहे थे, अब मेरे पास आने के बाद मुझे पता ही नहीं था ये सब चीज़ें कैसे करती है। ठीक है, लेकिन YouTube वगैरह ये देख के मैं ट्राई कर रहा था, कहाँ पे पढ़ के, किसी को पूछ के, स्टिल आई वॉज नॉट गेटिंग अ गुड सक्सेस रेट फॉर कल्चरिंग दिस मोइना डाफिना। बट उसके बाद जो भी ये सब एक्सपीरियंस है मैंने सीखा, वो आपको आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा। तो देखो, कल्चर करते टाइम आपके ऊपर है, आपके पास फिशेस कितने हैं, उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है आपको कितना ज़्यादा कंटेनर लेना है, कितना बड़ा कंटेनर लेना है ये मोइना डाफिना कल्चर करने के लिए। ठीक है, तो समझ लो आपके पास एक ही टैंक है, आपको सिर्फ फिशेस को फीड करने के लिए कल्चर करना है, आपका दिमाग में ये नहीं है कि मुझे ब्रीड करना है, बेबीज को, फ्राइज को ग्रो करना है, ये सब नहीं है, सिर्फ मुझे अच्छा फीड खिलाना है, मेरे को मेरे फिशेस को अच्छा ग्रो करना है। तो आपको ये करने के लिए आपको बहुत बड़े कंटेनर की जरूरत नहीं है, स्टिल डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वांटिटी ऑफ फिशेस यू आर हैविंग। अगर आपके पास 10-12 फिश है तो छोटा कंटेनर लो, आपके पास बहुत बड़ा टैंक है जहाँ पे 50 फिशेज है तो यू विल नीड अ बिग कंटेनर। कंटेनर भी आपके हिसाब से, आप टब ले सकते हो, बड़ा बड़ा क्रेट ले सकते हो, जो बड़े क्रेट्स आते हैं फिश जो खाने के फिशेज के, प्लास्टिक के ब्लू ग्रीन वगैरह क्रेट्स आते हैं, राइट, वो क्रेट में भी आप कल्चर कर सकते हो। टब, टब से अच्छा वो क्रेट रहता है, क्रेट की कैपेसिटी ज़्यादा मिलता है और वो बहुत तगड़ा भी रहता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो हम उसमें कल्चर किए तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, और हम बालकनी में कल्चर कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप आउटडोर कल्चर करोगे तो रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन वहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, छाव होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा धूप रहेगा, एकदम गर्म हो रहा है पानी, तो आपका डाफिना मरने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप समझ लो कि आपके पास ऐसा बालकनी में एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है लेकिन धूप नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ अ परफेक्ट परफेक्ट प्लेस फॉर कल्चरिंग द डाफिना और मोइना। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक मैं जो एग्जांपल दिखाने वाला हूँ अभी कल्चर करने का प्रोसीजर, ये एक छोटे क्वांटिटी में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसके
फार्मिंग के लिए कैसे करना है या बड़े क्वांटिटी में कैसे करना है ये जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे बड़े क्वांटिटी में जानना है, तो आप इसके ऊपर वीडियो प्लीज डाल दो। तो मैं मेरे जो खुद का फार्म है जहाँ पे मैं गप्पीज बीटाज ये सब लार्ज क्वांटिटी में ब्रीड करता हूँ, वहां पे आपको जाके मैं लार्ज क्वांटिटी में कैसे कल्चर करना है ये आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप भी के लिए फिलहाल हम ये डिस्कस करेंगे कि छोटे क्वांटिटी में कैसे कल्चर करना है, जो घर में हम कल्चर करने के लिए प्रोसीजर यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो लेना है वो एक 5 लीटर तक का एक टब लेना है, ठीक है। एक छोटा सा टब है, 5 लीटर तक पकड़ लो, ये इसमें पानी का कैपेसिटी होगा। हम ये फुल तो नहीं भरेंगे, हम एक इंच कम पानी रखेंगे, ठीक है। तो 4 लीटर पकड़ लो, 4 लीटर पानी इसमें हम भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो लगने वाला है वो ये है टब, ठीक है। अभी ये टब मैं साइड में रख लेता हूँ। दूसरी चीज, ठीक है, एक मिनट, कैमरा से पीछे करना है तो ओके। हाँ, तो अभी दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बता, सबसे इम्पोर्टेंट है मोइना और डाफिनिया। तो ये है अपना मोइना और डाफिनिया का कल्चर मतलब ये खुद मोइना डाफिनिया ही है, ठीक है। तो ये रहता है मोइना और डाफिनिया। ये हम मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में, मतलब गांव के भाषा लैंग्वेज में हम बोलते हैं ये पानी के अंदर की चींटियां, ठीक है, पानी में की चींटियां। जैसे हमारे बाहर जो चींटियां रहती है, जो एंट्स बोलते हैं, वो पानी के अंदर की चींटियां, ऐसे इनको तो बोला जाता है। बहुत लोगों के अलग अलग इसके लिए नाम है, लेकिन पानी की चींटियां ऐसे बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपको ये कल्चर लगेगा। दूसरी चीज आपको लगेगा ये बेकर्स यीस्ट, ठीक है, ड्राई यीस्ट जो बोलते हैं ना, ड्राई बेकर्स यीस्ट, ये आपको लगेगा। ये आप एक सबसे छोटा पैकेट जो है वो खरीद लो, ठीक है। ब्रांड का कोई भी एक मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी ब्रांड का चलेगा, लेकिन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। देख लो एक्सपायरी अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। तो ये आपको लगेगा बेकर्स यीस्ट। दूसरा चीज ये, अभी ये है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना आपको पता ही होगा, आपको सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये स्पायरुलिना है, ये जो समुन्द्र सी वाटर मतलब सॉल्ट वाटर के पानी में जो एल्गे बनता है, जैसे हमारे फ्रेश वाटर में भी एल्गे बनता है, वैसे ही समुन्द्र में भी एल्गे बनता है, ठीक है। वही एल्गे जो है उसको बोला जाता है स्पायरुलिना, ठीक है। अभी इसका फार्मिंग भी होता है, बहुत लोग इसका फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो वो आप उनसे भी खरीद सकते हो। YouTube पे जाओगे, स्पायरुलिना फार्म डालोगे, आपको बहुत लोग दिखेंगे जो फार्मिंग कर रहे हैं स्पायरुलिना का। आप उनसे ऑर्गेनिक अच्छा क्वालिटी का स्पायरुलिना खरीद सकते हैं कम क्वांटिटी में। अभी मैंने ये इतना ही डिब्बा खरीदा था मोस्टली, मुझे लग रहा है 1.5 साल पहले उन्होंने बोला था 2-3 साल अच्छा टिकता है, लेकिन 1.5 साल पहले मैंने खरीदा था, पूरा डब्बा फिल था, ओके, पूरा था। तो अभी इतना बचा है, तो ये इसका बहुत कम क्वांटिटी लगता है। देखो ये यीस्ट और ये जो है ना, बहुत कम मात्रा में आपको लगेगा। एक बार खरीदो, 1.5 साल आपको देखना नहीं है, वही आपको बहुत लॉन्ग तक चलेगा, बहुत दूर तक चलेगा, ठीक है। तो हो गया अपना इंग्रीडियंट्स। अभी और लास्ट इंग्रीडियंट है ल्यूकवॉर्म वाटर, गर्म पानी, लेकिन बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। ल्यूकवॉर्म मतलब थोड़ा सा गर्म पानी, ठीक है, जो हमें हम अच्छी तरह से उसको पी पाए। अगर पी नहीं पा रहे, हमें जल रहा है, तो समझ लो कि वो पानी बहुत गर्म है, थोड़ा कम ठंड, थोड़ा ठंडा होना चाहिए पानी, ठीक है। तो ल्यूकवॉर्म वाटर लेना है हमको। अभी दूसरा चीज, अभी ल्यूकवॉर्म वाटर में ये स्पून दिख रहा है, ये मोस्टली सभी के घर में होता है ये स्पून। अगर ये स्पून नहीं है तो हमें कप जो रहता है आइसक्रीम का कप, जो भी हम खरीदते हैं उसके साथ हमें मिलता है पिंक कलर का स्पून मिलता है प्लास्टिक का, वही स्पून आप इसके क्वांटिटी के लिए यूज कर सकते, ठीक है। वो जो पिंक, अभी मैं ये स्पून करता हूँ, ये मैं बहुत सारे से यही यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट प्रोपोर्शन फिक्स हुआ है, मेरे दिमाग में फिक्स हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं ये जो स्पून है, ठीक है, ये जो स्पून है, ये स्पून में मैं यीस्ट और स्पायरुलिना सेम क्वांटिटी में लूंगा, ठीक है। अभी क्वांटिटी इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये जो स्पून है इससे मैं आधे से कम लेता हूँ, मतलब समझ लो मैं 4 चुटकी लेता हूँ, ठीक है, 4 चुटकी लेता हूँ, तो दोनों के 4-4 चुटकी लूंगा मैं, या हाफ स्पून यीस्ट और हाफ स्पून स्पायरुलिना। हाफ स्पून बहुत हुआ, ये मुझे तो लग रहा है बहुत, इससे भी थोड़ा कम लेता हूँ। तो मैंने जो मेजरमेंट आपको बताया, आइसक्रीम का जो स्पून आता है पिंक कलर का, येलो कलर के आते हैं ना प्लास्टिक के, वो दो स्पून मतलब स्पायरुलिना का एक स्पून और यीस्ट का एक स्पून, मोर देन इनफ है, और 100 ml ल्यूकवॉर्म वाटर, ठीक है, उतना दोनों स्पून डालो पानी में, अच्छी तरह से घोल लो,
अच्छी तरह से घोलना है, मतलब आपका पानी एकदम ब्लर हो जाए, ठीक है, जो ग्लास में का पानी है वो ब्लर होना चाहिए, ऐसा दूध जैसा थोड़ा ब्लर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पानी है आपको, ये जो फॉर्मूला है, ये डैफनिया मोइना का खाना रहेगा, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने जो मेजरमेंट्स बताए, जो यीस्ट का और स्पाइरुलिना का, ये मेजरमेंट पे अच्छी तरह से ध्यान दो, क्योंकि अगर यीस्ट ज़्यादा होता है तो पानी में फर्मेंटेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, उसके वजह से डैफनिया और मोइना का कल्चर क्रैश होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हमें फोकस क्या करना है, खाना एकदम लिमिटेड देना है। अभी हम जब ये पानी में घोलते हैं, राइट, ये इतने पानी में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं यीस्ट में से जो आते हैं, मिलियंस, उसपे ऊपर वो फीड करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मैं क्या रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि इतना ज्यादा क्वांटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो मैं स्पून है, इतने टब के लिए, ठीक है, इतने से टब के लिए, व्हाट आई विल प्रेफर इज ये इतना सा पानी, इतना पूरा भर के एक ही स्पून सुबह डालूंगा, एक स्पून शाम, मोर देन, ठीक है, इससे ज्यादा स्पून में डालूंगा नहीं, ठीक है। अभी ये जो क्वांटिटी है ये ज्यादा करके डैफनिया और मोइना को जिंदा भी रखेगा, पेट भी भरवाएगा, ब्लीडिंग भी अच्छा करवाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि ज्यादा फर्मेंटेशन नहीं हो पाए, होना चाहिए, जिसके वजह से मोइना का डैफनिया का कल्चर क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्वांटिटी फीड करो। और दूसरा साइन है कि हम प्रोपोर्शन परफेक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब मात्रा जो है खाने का वो परफेक्ट डाल रहे हैं, इसका साइन ये है कि अभी जब भी हम खाना डालेंगे कोई भी मोइना और इसमें कल्चर में, जो पानी में खाना जो ये लिक्विड बनाया है डालेंगे, तो इसका कैलकुलेशन कैसा है कि जब भी हम पानी में डालेंगे वो पानी ब्लर नहीं होना चाहिए, पानी क्लियर दिखना चाहिए। अगर पानी ब्लर हो रहा है डालने के बाद, इसका समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, ठीक है। तो आप बड़ा कर, कितना भी बड़ा कंटेनर हो, ठीक है, मेरे हिसाब से एवरी 4 लीटर्स को इतना स्पून परफेक्ट है। अगर ये स्पून नहीं है तो अपना जो खाने का स्पून रहता है वो 2 स्पून इज इक्वल टू दिस, राइट, 2 स्पून और ये स्पून मेरा सेम है, जो खाने का स्पून है 2 स्पून एक टाइम में डालो सुबह और शाम, ठीक है, उतना ही कल्चर में डालना है 4 लीटर्स में के पानी में। उससे ज्यादा है तो आप पकड़ लो कि एवरी 4 लीटर्स को 2 स्पून, तो उसके आगे आपका जितना लीटर्स के उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। 2 स्पून मतलब 1 लीटर को आधा स्पून, वैसे एवरी लीटर को अगर आधा स्पून यूज कर रहे हो आप, तो आप जितना लीटर है उतने आधे आधे स्पून कैलकुलेट करके आपके हिसाब से जितना भी बड़ा कंटेनर लो उतना फीड आपको यूज करो, ठीक है। दिन में 2 बार, एक बार में ज्यादा देना है तो वो मत करो, एक बार में भी ज्यादा करोगे तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा, जितना फर्मेंटेशन ज्यादा होगा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा, ऑक्सीजन ड्रॉप होने से मोइना और डैफनिया कल्चर क्रैश होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जहां पे भी रखोगे कल्चर वहां पे धूप नहीं आनी चाहिए, जितना ज्यादा धूप आएगा उतना ज्यादा कल्चर क्रैश होने का चांस, क्रैश मतलब क्या, सब मर जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रैश, कल्चर क्रैश होने का चांस। तो ध्यान दो कि धूप में मत रखो, छाव में रखो, जहाँ पे बालकनी में रखो, जहाँ पे धूप नहीं आ रहा, लाइट बहुत आ रहा है चलेगा, लेकिन ज्यादा धूप आ रहा है, एकदम गर्म पानी हो रहा है, तो कल्चर नहीं टिकेगा, ये 100% श्योर, ओके। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो, कल्चर परफेक्ट होगा। ये जो फीड है आप कोई भी फिश के बेबीज को खिला सकते हो, और छोटे साइज के जो फिशेज है उनको भी खिला, बड़े को भी खिला सकते हो, लेकिन उनका पेट नहीं भरेगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा उनको, कुछ उनको समझ भी नहीं आएगा कि उनके पेट में कुछ गया कि नहीं गया। इसलिए बड़े फिशेस के लिए कल्चर करने की जरूरत नहीं है, छोटे फिशेस के लिए करो, जैसे टेट्राज रहेगा, गप्पीज रहेगा, बीटाज रहेगा, या विडोज रहेगा, या जो भी है छोटे साइज के जो फिशेज है, उनमें कोई भी फिश रहे छोटे साइज के, सबके लिए परफेक्ट फीड है, सबको पसंद आएगा। और हर रोज भी खिला सकते हो, अल्टरनेटिव भी खिला सकते हो, लेकिन ज्यादा मत खिलाओ, दिन में एक बार फीडिंग फिश के लिए डैफनिया जो भी लाइफ फूड है दिन में एक बार बहुत हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ये आपके फिश में टिका रहेगा, मरेगा नहीं, उस अगर नहीं खाते तो वो वहां पे बेबीज भी दे देगा, मतलब आपने आज डाला तो देख लो दूसरे दिन की कल्चर तो नहीं हुआ है ना, ज्यादा कल्चर नहीं हुआ होगा तो मत डालो, उसके बेबीज भी वो खाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि ज्यादा फीड करना नहीं है, फिश को ज्यादा डैफनिया खिलाओगे तो उनको टॉक्सी का इशू होगा, और ज्यादा मोइना और डैफनिया को खिलाओगे तो कल्चर क्रैश होगा, दोनों चीजें लिमिटेड करना है। अभी दूसरा चीज, मैं दूसरा एक और एक वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, डैफनिया और मोइना कल्चर करना है, लेकिन यीस्ट और ये जो फर्मेंटेशन का जो टेंशन रहता है कि भाई फर्मेंट हो गया पानी तो मरने का चांस है, ये कम करने के लिए एक दूसरा प्रोसीजर, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अभी मुझे पता है कि मेरा जो तीसरा पार्ट है ब्रीडिंग का, तीसरा पार्ट मैंने अपलोड किया, फोर्थ पार्ट पेंडिंग है, ठीक है, कि
कि फीमेल को कैसे छोड़ना है, फीमेल को जब भी कंडीशनिंग करते टाइम कैसे सब कुछ मेंटेन करना है। ये फोर्थ पार्ट जो बीटा ब्रीडिंग का है वो मैं अभी अपलोड करूंगा, जैसे मेरा एडिटिंग चालू है मैं शाम तक वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो और वो वीडियो मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चंस रहेगा कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आंसर दे दूंगा। और इस कोई और कल्चर्स के बारे में भी जानना है, जैसे ग्राइंडलवर्म्स रहेगा या कोई भी और कल्चर्स रहेगा जिसके बारे में आपको जानना है, या बीबीएस कैसे परफेक्ट हैच करने का प्रोसीजर क्या है, बीबीएस का मतलब आरके में या बेबी ब्राइन शिप जो बोलते हैं वो, ये कुछ जानना है तो मेरे को बताओ, मैं वो भी आपको आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसके वजह से आपको ईजी हो जाए ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो और कुछ रहेगा तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मेरा नंबर है, आपको कोई कुछ खरीदना है तो ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।